हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूर्वा खंडेलवाल, योर असिस्टेंट टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 14, आर ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जिस भी कंट्री के जो पीपल्स हैं, ठीक है, कंट्री को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा वो पीपल्स का ही हाथ होता है. ठीक है, अगर हमारी कंट्री बहुत वेल एजुकेटेड है तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होगी. ठीक है, लेकिन इंडिया में कई प्लेसेस ऐसे हैं या कई विलेजेस ऐसे हैं जो वो अभी भी डेवलप नहीं हो पाए हैं. तो वो क्यों नहीं हो पाए हैं? ठीक है, एक कंट्री को डेवलप करने में पीपल्स की क्या जिम्मेदारी होती है? ठीक है, क्योंकि एक कंट्री को पूरा डेवलप करने में मोस्टली पीपल्स ही उसका मेन रिसोर्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर पीपल्स एजुकेटेड होंगे तो उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होगी. तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में रीड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. उसके बाद हम लोग इसमें रीड करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया की, इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या है, जैसे पॉपुलेशन डिपेंड करती है इस पर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस, उसके बाद ऑक्यूपेशन इन इंडियंस. ठीक है, मेनली तो ऑक्यूपेशंस पर ही पूरा डेवलपमेंट हमारा फोकस करता है. फिर हम लोग इसमें रीड करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे, प्रॉब्लम्स फेस्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है, सबसे पहली तो होती है ओवर पॉपुलेशन, सेकेंड होती है लैक ऑफ एजुकेशन, एंड थर्ड होती है पॉवर्टी. तो ये तीनों जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में है जिसको फेस करना पड़ता है हमें. मेज़र टेकन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू भी अगर इन चीज़ों को कम करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, फर्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सेकंड एजुकेशन, थर्ड इज़ हेल्थ, एंड फोर्थ रिमूवल टू पॉवर्टी. मीन्स पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क देना गवर्नमेंट प्रीफर करती है, जिससे लोगों के पास क्या हो, इनकम के सोर्स बढ़ें. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे तो वो लोग एजुकेशन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इंडिया में एजुकेशन को भी फ्री किया गया है ताकि लोगों को क्या हो, एजुकेशन मिलेगा अगर लोगों को तो वो लोग हर चीज़ को समझेंगे. ठीक है, इसी तरह इंडिया में एजुकेशन पूरी तरीके से 8th क्लास तक फ्री किया गया है ताकि बच्चे पढ़े लिखे और थोड़ा समझें. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ह्यूमन एज अ रिसोर्स. आर कंट्री हैज़ अ वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट दिस नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी ऑफ एनी हेल्प टू अस इफ़ देयर आर नॉट यूटिलाइज इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, हम लोगों के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्स भी हम लोग डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं पाते हैं. जब तक उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तब तक उसका यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे. To utilize the resources, we need intelligent, educated and skilled people to convert these natural resources into useful goods. ठीक है, तो natural resource हमें मिल गया है, हमें उसका use नहीं पता है. क्यों नहीं पता है? क्योंकि जब तक उस natural resource का use intelligent, educated और जो लोग उसका उसको एक अच्छी मतलब usable चीज़ में जब तक उसको convert नहीं करते तब तक वो natural resource हमारे काम का नहीं है. द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, दे आर द ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस कंट्री के जो पीपल्स हैं वो एजुकेटेड हों, ठीक है, इंटेलिजेंट हो, उनमें हर चीज़ की समझ हो. दे हैव द एबिलिटी टू यूज़ देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू डेवलप द अवेलेबल रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल. ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी तो है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास एबिलिटी नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो वो नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए पूरी तरीके से वेस्ट है. ठीक है, आज मेरे पास ये बुक है, अगर इस बुक को मैं रीड करना चाहती हूँ, इट मीन्स कि मुझे इस बुक को रीड करने का नॉलेज है, इस नॉलेज को मैं किसी और को दे सकती हूँ. अदरवाइज़ अगर मुझे रीडिंग नहीं आती है तब भी ये बुक मेरे लिए बिल्कुल क्या हो जाएगी, यूज़लेस हो जाएगी. तो हमें जिस चीज़ का नॉलेज है, जिस चीज़ को हम किसी और को भी समझा सकते हैं, तो वो उस चीज़ को यूज़फुल बना देती है. ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस. ठीक है, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में. वी आर द एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस. ठीक है, और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. वी आर अ नेशन ऑफ मोर देन 125 करोड़ पीपल एंड ऑल दिस पीपल कॉन्ट्रीब्यूट द कंट्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, इंडिया में 125 करोड़ पीपल्स हैं लगभग, और ये सभी क्या हैं, इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर आर एरियाज वेयर द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया नोन एज पॉपुलेशन डायनेस्टी इट इज़ वेरी हाई वाइल इज अदर प्लेस इट इज़ लोअर. ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि जितना प्लेस का एरिया है उससे भी डबल पब्लिक वहां पर रहती है. द एवरेज पॉपुलेशन डायनेस्टी
of the world is 45 people square kilometer, while in India the figure is 324 people per square kilometer. More than half of the total population live in 5 states. ठीक, क्या होता है कि जितना एरिया है उससे भी डबल पब्लिक हमारे इंडिया में रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 5 स्टेट्स इंक्लूड है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश एंड द लिस्ट लेस्ट पॉपुलेशन इज सिक्किम. ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन से और सिक्किम में उससे कम. एग्रीकल्चर इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट इंडियंस. ऑल्थो इंडिया हैव मेड देयर मार्क इन एवरी फील्ड, देयर आर इंडियन साइंटिस्ट, टीचर, एस्ट्रोनॉट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एथलीट्स, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स एक्सेट्रा इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया का जो मेन पब्लिक का जो ऑक्यूपेशन होता है वो फील्ड में वर्क करना ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसमें पब्लिक इंक्लूड है, लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एथलीट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, फिल्म स्टार्स हैं. Used as there are many people, especially those living in village, who are uneducated, मेलोनीज्ड, आर पुअर. ठीक है, ये सब तो सिटीज़ में लोग अवेलेबल है, लेकिन अभी भी विलेजेस में ऐसे पीपल्स हैं जो लोग अनएजुकेटेड हैं और कुपोषण से भी ग्रसित हैं. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है या क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है. ह्यूमन रिसोर्सेज आर डायरेक्टली लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम डायरेक्ट लिंक करेंगे तो वो हमारी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड होगा. जस्ट हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन डज नॉट इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स इफ द पीपल आर नॉट एजुकेटेड, हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट. ठीक है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ की पब्लिक भी क्या है, अनएजुकेटेड है, हेल्दी भी नहीं होगी और खुद इंडिपेंडेंट भी नहीं होगी. द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैज़ बीन अ फोकस ऑफ द गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, बट देयर आर many problems incorrected in the creating a useful workforce. सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर. ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसकी वजह से लोग खुद इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो और उनको अपने मनी अर्न करने के लिए भी कोई साधन मिल जाए. और लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के सामने आती है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन. हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन पुट्स टू मच प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज़ एंड सर्विसेज. ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो भी एम्यूनिटीज़ है, जितनी भी फैसिलिटीज़ है, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लाइक फूड, वाटर, सैनिटाइजेशन, स्कूल्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ सर्विस आर नॉट एबल टू कीप पीस विद देयर एवर इंक्रीज पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग ना तो प्रॉपर वे में फूड मिल पाता है उन्हें, ना ही क्लीन वाटर मिल पाता है. एज देयर इज मोर डेवलपमेंट इन सिटीज़ एज कम्पेयर टू विलेज. ठीक है, सिटीज़ तो फिर भी डेवलप्ड है लेकिन विलेज अभी भी डेवलप नहीं है. देयर आर मोर जॉब्स एंड मनी इन द सिटीज़, दिस कॉज अ पॉपुलेशन शिफ्ट टूवर्ड्स अर्बन एरियाज़ फर्दर बर्डनिंग द सिस्टम वाइल द विलेज रिमेन अनडेवलप्ड. ठीक है, क्या होता है कि सिटीज़ में जॉब की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, इसलिए जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ के पीपल क्या करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी एजुकेटेड होते हैं तो वो उस प्लेस को छोड़कर सिटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से विलेज की पॉपुलेशन तो कम रह गई लेकिन वहाँ पर अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा हो गए. द माइग्रेंट वर्कर्स आर अनस्किल्ड एंड आर यूजली एम्प्लॉयड एज डेली वेजेस. ठीक है, तो जो माइग्रेंट पीपल्स जो होते हैं, जो एक दूसरे प्लेस पर आए हुए होते हैं वर्क करने के लिए, तो वो लोग क्या होते हैं, डेली वेजेस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि एजुकेशन तो उनके पास बहुत कम होती है. सेकेंड प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन की कमी. देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ट्रेनिंग सेंटर्स. ठीक है, क्या होता है कि जो बहुत अच्छे एजुकेशन हब्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूट है या कॉलेजेस है, स्कूल्स है, वहाँ पर सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से भी बहुत से बच्चे एजुकेशन से पीछे हो जाते हैं. मैनी पीपल आर स्टिल कम्प्लीटली इलिटरेट, विच मीन्स दे आर नॉट ओनली अनफिट और मोस्ट जॉब्स बट ऑल्सो लैक बेसिस नॉलेज एंड लाइफ स्किल्स. ठीक है, बहुत से बच्चे इसी वजह से अनपढ़ भी रहते हैं क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन की जो प्रॉपर वे में एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों में नॉलेज की भी बहुत कमी होती है और लाइफ स्किल्स की भी उनमें बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है. थर्ड है पुवर्टी. अ पार्ट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम पुवर्टी. हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जिसकी वजह से लोग हर मतलब जो भी स्किल्स है वो उनके डेवलप नहीं हो पाते हैं. पीपल आर सो पुअर
that they do not have enough to eat, buy medicines or even afford to have a roof over their heads. ठीक है, गरीबी होने की वजह से क्या होता है कि लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर होता है, ना ही खाने के लिए उनके पास फूड होता है. इनफैक्ट अगर उन्हें कोई बीमारी भी है तो उनके पास मेडिसिन के लिए भी प्रॉपर पैसा नहीं होता है. दिस पुअरिटी मेक देम अनेबल टू लीव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ. And children growing up in poverty have no access to proper nutrition, education for health. ठीक है, poverty होने की वजह से क्या होता है कि उनके जो childrens होते हैं वो भी proper grow नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें food नहीं मिलता है, medicines time पे नहीं मिलती, और nutrition, food, education, health कुछ भी उनको proper नहीं मिल पाता है. मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो अप करने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए जाते हैं. इट इज़ क्लियर दैट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज नेसेसरी फॉर आर कंट्री टू प्रोग्रेस. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी मेजर्स टू ओवरकम द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल. सम ऑफ दिस स्टेप्स आर. ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल. ठीक है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा. द गवर्नमेंट हैज been educating people on the advantage of having small families. ठीक है, क्या होता है, educated peoples को ऐसे area में भेजा जाता है जहाँ over population हो, उन्हें समझाया जाता है कि अगर population कम होगी तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे. Education, the Indian government runs lakhs of schools across the country to education children, especially those from poor families. Many educational schemes have been launched for the girl child. The Sarva Shiksha Abhiyan aims at providing education to children in the age group of 6 to 14 years. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में एजुकेशन को फ्री किया गया है फर्स्ट क्लास से एट्थ क्लास तक, जिसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया है, जिसमें 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, जिसमें गर्ल्स को भी ये फ्री पढ़ाया जाता है. ठीक है, गर्ल्स के लिए भी बहुत सी स्कीम है एजुकेशन में. नेक्स्ट हेल्थ, मेनी हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन विलेज, टाउन एंड सिटीज़. ठीक है, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स को वहाँ पर सेट किया गया है ताकि लोगों में अगर कोई बीमारी है तो उसको वो लोग अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवा सके. रिमूवल ऑफ पुअरिटी, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स जॉब्स, लैंड एंड हाउसेज टू पुअर पीपल्स. बैंक आर ऑल्सो इनकरेज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स. लोन आर ऑल्सो बींग गिवन टू पीपल टू स्टार्ट देयर ऑन बिजनेसेस. ठीक है, पुअरिटी कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट की तरफ से बैंक से उन्हें लोन दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग फार्मिंग करते हैं उन्हें लोन मिले और वो लोग अपनी जो फार्मिंग है उसको अच्छे से कर सके. विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज वास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ कंट्री कैन बी रिलीज्ड, वेयर एवरी इंडियन कैन प्रोवाइडली इंजॉय द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लीड द कंट्री इन टू द ब्राइटर फ्यूचर. ठीक है, क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको जितने भी एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, जो भी वर्क किए जा रहे हैं, अगर पब्लिक उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाए, एजुकेटेड हो और हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. सो द राइट ऑफ एजुकेशन RTE एक्ट विच कम इन टू फोर्स इन 2010. ठीक है, जो हम लोग RTE में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं वो स्कीम 2010 से हमारे इंडिया में चल रही है. मैक्स, इट इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन एजेस 6 and 14. ठीक है, तो RTE के जो एजुकेशन होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जिसमें 6 ईयर से 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल फ्री दिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.